मान लो आपके पास L लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है। सपोज ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। आपने इसका एक सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया। इस सर्कल में आपने करंट दे दिया I, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B आ गया। गिवन है मैग्नेटिक फील्ड B आ गया। केस नंबर वन। केस नंबर टू, केस नंबर टू, आपने सेम लेंथ ली L, सेम लेंथ ली L ऑफ द वायर, लेकिन आपने नंबर ऑफ टर्न्स घुमा घुमा के कितने बना दिए? N टर्न्स बना दिए। लंबाई वही है, बड़ा सर्कल एक टर्न, छोटे छोटे सर्कल बना दिए, N टर्न्स है, ठीक है, N टर्न्स आ गए। अब मुझे ये बताना है इसमें कि मैग्नेट और सेम करंट इसमें पास किया, ऑब्वियसली रेडियस में फर्क होगा, रेडियस का। तो आपको बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी डैश है, तो बी डैश की वैल्यू क्या होगी? एन इंटू बी, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, बी डैश की वैल्यू बी डिवाइडेड बाय एन, थर्ड ऑप्शन। बी डैश की वैल्यू एन स्क्वायर इंटू बी, और डी ऑप्शन, बी डैश की वैल्यू एन क्यूब इंटू बी। क्या आंसर आएगा? सर एन इंटू बी, एन इंटू बी गलत है, एन स्क्वायर बी। एन स्क्वायर बी ठीक है। देखो ऑनलाइन कितने लोगों का एन स्क्वायर आ गया? आ गया, ठीक यस है। देखो इसमें बी का मतलब क्या होगा? पहली बात तो इसका रेडियस अगर आर है तो मुझे पता है लेंथ किसके इक्वल है, 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या बनेगी? एल डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो बी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 पाई आई बाय आर, ऐसे होगा। तो यहां पर बी की वैल्यू क्या बनेगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 पाई आई बाय आर। आर की वैल्यू इसमें क्या है? एल डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक हो यहां तक? तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मान लो इक्वेशन नंबर वन जो भी है सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है सेकंड केस में। देखो जो सेकंड केस है इसके अंदर क्या होने वाला है, आपकी जो बी की वैल्यू है, जो आपकी बी की वैल्यू है बी डैश, वो क्या होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 पाई आई बाय आर डैश, क्योंकि इसका रेडियस क्या है? आर डैश, छोटा रेडियस होगा। अब आर डैश कैसे? जो लंबाई तो एल थी, तो एक सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर डैश है, और ऐसे कितने टर्न्स हैं? एन। तो आर डैश की वैल्यू आएगी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एन, राइट। तो यहां से बी डैश की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर डैश, आर डैश की जगह एल डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एन। पर एक्चुअल में ऐसे कितने टर्न्स हैं? एन टर्न्स हैं। तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन के साथ, ठीक
तो रिजल्ट आएगा उसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिजल्ट को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर टू, जब आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो बी डैश की वैल्यू एन स्क्वायर भी आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर दो कि सपोज करो आपके पास एक, मान लो कोई सर्कल है, जैसे मान लो एक सर्कुलर वायर है, इसके अंदर जो करंट है, राइट, इसके अंदर जो करंट है वो यहां से एंटर करता है, ये रहा, ठीक, करंट एंटर करता है सच दैट ये सेंटर है, ठीक, ये दूसरा पॉइंट है ऐसे, तो यहां से करंट एंटर करता है आई, बाहर भी निकलता है आई, यहां से करंट क्या गया आई वन, तो यहां से करंट क्या गया आई टू, ठीक है। इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर ये एंगल कितना है थीटा, तो आपको बी बताना है नेट क्या होगा आई वन आई टू की वजह से। सर जीरो। हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर जीरो है। कैसे जीरो? देखो लॉजिक तो ये बोलता है कि इसमें करंट आई वन है, इसका एंगल क्या है थीटा, तो बी टू की वैल्यू क्या बनेगी म्यू नॉट बाय फोर पाई थीटा आई टू डिवाइडेड बाय, मान लो रेडियस क्या है आर, ये फॉर्मूला बनेगा ना, थीटा आई बाय आर। और B1 क्या बनेगा, ये एंगल कितना है, मान लो ये एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, या ऐसा कर लो ये एंगल है थीटा 2, ये एंगल है थीटा 1, ऐसे कर लो ये थीटा 2, तो B1 की वैल्यू क्या बनेगी म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा 1 आई 1 डिवाइडेड बाय R। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो B2 है इसमें चार फिंगर इस तरफ है तो B कैसे होगा आउटसाइड, तो B यहां पर क्या लिखेंगे, B इज आउटसाइड, इसके अंदर चार फिंगर ऐसे हैं तो बी कैसे होगा इनसाइड, तो बी की वैल्यू इसमें क्या होगी इनसाइड, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे माइनस। लेकिन देखने वाली बात यह क्या है कि सपोज करो एक मिनट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस है, ये देख रहे हो इसकी रेजिस्टेंस वो है आर वन, और नीचे वाले वायर की रेजिस्टेंस है आर टू, तभी तो करंट अनइक्वल डिवाइड हुआ था अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो R1 में मान लो I1 करंट है, R2 में I2 करंट है, ये भी क्लियर है। अब इसकी जो लंबाई या लेंथ है मान लो वो L1 है, इसकी लंबाई क्या है L2 है, ये भी क्लियर है। अब ये सेक्टर की अगर बात करते हैं तो एंगल इज आर्क, आर्क L2 डिवाइडेड बाय रेडियस, तो L2 की वैल्यू क्या आ गई थीटा 2 इंटू आर, ठीक, आर फॉर रेडियस है इसमें, ये भी क्लियर है। तो ये L2 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही L1 की वैल्यू क्या आएगी थीटा 1 इंटू आर, थीटा 2 की जगह थीटा 1 इंटू आर, ठीक हो गया यहां तक। अब मेरे को एक चीज पता है कि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, I1 R1 I2 R2, I1 into R1, R1 क्या होता है रो L1 by area of cross section,
इज इक्वल टू आई टू इन टू रो एल टू बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल, तो क्या बना आई वन एल वन इज इक्वल टू आई टू एल टू, लेकिन एल वन किसके इक्वल है थीटा वन इंटू आर, तो आई वन इन टू थीटा वन इंटू आर इज इक्वल टू आई टू इन टू थीटा इन टू आर, तो आर से आर क्या हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब दोनों के न्यूमिनेटर भी एग्जैक्टली सेम है, तो सोचो पूरा बी सेम है, एक भी इन है एक भी आउट है, तो नेट बी की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी इसमें जीरो, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा तो सीधा आपने आंसर क्या मार कर देना है जीरो, ठीक है यहां तक तो?